हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हो चुकी है ये बड़ी जानकारी जो यहाँ पर गणेश ठाकुर दे रहे हैं। रिपब्लिक टीवी के मालिक हैं अर्णब गोस्वामी, सिर्फ एंकर नहीं हैं, और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी को भी पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से बुलाया जा सकता है। मुंबई पुलिस ने ये जानकारी दे दी कि वो दो छोटे चैनल जिनके नाम सामने आए उनके मालिक मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुंबई पुलिस की तरफ से अभी अभी बताया गया था कि रिपब्लिक टीवी उसमें चाहे तो काम करने वाला शख्स हो, चाहे उसका डायरेक्टर हो, चाहे उसका प्रमोटर हो, जांच में जिस जिसका नाम सामने आएगा, चाहे कितना ही बड़ा शख्स को क्यों ना हो, मुंबई पुलिस कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। और गणेश ठाकुर ये बता रहे हैं कि नाम अगला रिपब्लिक टीवी से अर्णब गोस्वामी का हो सकता है, जिन्हें मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए, क्योंकि ये अपने आप में टीआरपी का फर्जीवाड़ा, झूठी टीआरपी, हेर फेर करके टीआरपी हासिल कर लेने का खेल, खुद को नंबर वन दिखाने का खेल। क्या हो उससे फायदा? उससे आप एडवर्टाइजर्स को दिखाकर अपनी झूठी रैंकिंग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, यही तो मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया। इलीगली आप एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज इकट्ठे कर सके। कुल मिलाकर सारा खेल आता है पैसे का। लेकिन पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, इस पैसे के खेल में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंच रहा है तो वो फ्री स्पीच, वो लोकतंत्र की आत्मा पर आघात, इस पहलू को भी सामने रखना होगा जनता के। रोमाना, कितनी बड़ी बात है, मीडिया पर लोगों का कितना भरोसा रहता है कि हर छोटी बड़ी अपनी तकलीफ वो बताते हैं, उनकी उम्मीद रहती है कि हम उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक पुरानी कहावत रोमाना कि दूसरों के लिए अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो खुद आप उस गड्ढे में गिरेंगे। मुंबई पुलिस के अगर जो बात कही गई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने जो कहा है, उस दावे पर यकीन करें तो यही बात साबित होती है कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे। आपने उस भरोसे को तोड़ा है जो पब्लिक, देश की जनता, मीडिया जिसको चौथा स्तंभ मानती है, उसके लिए आपने किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया, टीआरपी के लिए कैसे पैसे के बंदर बांट किए, आपने नियमों में हेराफेरी की, गैर कानूनी काम किया, ये सब के लिए एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है, बहुत खतरनाक संकेत है, ये शुभ संकेत नहीं है। मीडिया पर सवाल हो रहा है किसी एक के चलते, और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र की रीढ़ है। निष्पक्ष मीडिया जो आम आदमी की, लोकतंत्र में नागरिक की आवाज बुलंद करती है, और वही मीडिया रिपब्लिक टीवी टीआरपी के चक्कर में, एडवर्टाइजर से पैसा बटोरने के चक्कर में टीआरपी का हेर फेर कर रहा था, टीआरपी का फर्जी रैकेट चला रखा था। ये बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से किया गया है। अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के मालिक है, एंकरिंग करते हैं, बड़ा चेहरा है, उन्हें बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। अब से कुछ देर पहले ये जानकारी दी है हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर ने। और देखिए, आपको ये भी बता दें कि आपको कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी समझनी होगी, क्योंकि कल ही सूचना प्रसारण मंत्री की तरफ से टीआरपी का रैकेट, टीआरपी में कुछ फर्जीवाड़ा, इस बात को लेकर संशय जताया था, आशंका जताई थी, और आज मुंबई पुलिस कमिश्नर सामने आते हैं, बड़ा खुलासा करते हैं कि फर्जी टीआरपी का रैकेट चल रहा था।